हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वास कुमार सैनी आप सभी का आपकी अपनी स्कूल प्रेरणा स्कूल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अपना जीव विज्ञान या साइंस वर्ग का जो रिजल्ट वो आ चुका है और आपके पास स्कूल का परिणाम क्या रहा ये भी सूचना आ चुकी होगी। अपने यहाँ पर गणित विषय में जो मैक्सिमम प्राप्तांक जिसने प्राप्त किए हैं यहाँ पर आदित्य कुमार सैनी, जिसने 95.60% प्राप्त किए हैं, जो मैथ वर्ग में टॉपर रहा है। और यदि हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी की बात करें तो मनीषा डूडी ने यहाँ पर 94.80 अंक प्राप्त किए हैं, परसेंटेज प्राप्त किए हैं। और ये बायोलॉजी में प्रथम स्थान पर रही है हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम की हम बात करें तो अमन कुमार जगरवाल है, जिसने 94.20% अंक प्राप्त किए हैं, जो इंग्लिश मीडियम में टॉपर रहा है। और इसके अलावा 100% अपने स्कूल का रिजल्ट रहा है। यदि 90% से प्लस की हम बात करें तो अपने यहाँ पर 8 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, जिनमें से 4 विद्यार्थी मैथ के और 4 विद्यार्थी बायोलॉजी के। ओके, और जीव विज्ञान की अपनी जो कक्षाएं चल रही हैं उनकी हम बात करते हैं। अभी 3 चैप्टर आपके जीव विज्ञान के हो चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने परागण के बारे में पढ़ा था, निषेचन के बारे में पढ़ा है, भ्रूण कोष और बीज का जो विकास है, फल का विकास किस प्रकार से होता है, तीसरे चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो अपना टॉपिक है, थर्ड चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात करेंगे। ओके, तीसरे चैप्टर में जैसे हम बात करें छोटे क्वेश्चन के बारे में, अति लघुतरात्मक के बारे में, अति लघुतरात्मक प्रश्न की हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो यहां पर सबसे पहले हमने पढ़ा था परागण से चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि परागण होता क्या है, परागण किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है। इसके बाद परागण के प्रकार हमने पढ़े थे, सपरागण, परपरागण, और सपरागण और परपरागण दोनों के लिए हमने कुछ अनुकूलन पढ़े थे। सपरागण के लिए कौन से अनुकूलन है, परपरागण के लिए कौन से अनुकूलन है, तो उनमें हमने दो ऐसे अनुकूलन पढ़े थे। एक तो सपरागण का था, जिसे हमने कहा था समकाल पक्वता, ये सपरागण के लिए अनुकूलन में था। और दूसरा था भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता को दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, इसे विषम काल पक्वता भी कह सकते हैं, विषम काल पक्वता भी कहा जा सकता है। तो ये तो सपरागण में अनुकूलन था और ये परपरागण के लिए अनुकूलन था। इनमें अंतर की हम बात करते हैं, में विभेद कीजिए दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, समकाल पक्वता और विषम काल पक्वता में क्या अंतर है, एक क्वेश्चन ये बनता है। इसके बाद एक क्वेश्चन था विषम वर्तिकात्व क्या है, विषम वर्तिकात्व से आप क्या समझते हैं। इसमें बताया था आपको कि जो वर्तिकाग्र वाला जो भाग है, वर्तिका वाला जो भाग है, उसमें कुछ परिवर्तन बताया था कि पुष्प में एक पुष्प ऐसा होगा, पादप पर एक पुष्प ऐसा होगा जिसमें वर्तिका छोटी होगी, दूसरा पुष्प ऐसा होगा जिसमें वर्तिका बड़ी होगी। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हम बात करते हैं, कुछ हार्मोन ऐसे आपको बताए थे जिनकी वजह से प्राकृतिक रूप से न होकर कृत्रिम रूप से अनिषेक फलन करवाया जा सकता है। तो ऐसे हार्मोन्स का नाम जिनके द्वारा कृत्रिम रूप से या छिड़काव विधि के द्वारा अनिषेक फलन को प्रेरित किया जाता है, अर्थात बिना निषेचन के फल का निर्माण किया जाता है, तो ऐसे हार्मोन्स का नाम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बताया कि ऐसे हार्मोन्स का नाम बताइए जिनसे अनिषेक फलन
प्रेरित होता है, एन इसे फलन प्रेरित होता है। तो इसमें दो हार्मोन आपको देते, एक तो था ऑक्सिन और एक जिब्रेलिन। यदि हम पादप पर इन दो हार्मोन का छिड़काव करते हैं तो जो पुष्प होंगे उनमें बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाएगा और इसी प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। और बताया था कि ऐसे फलों में बीज का अभाव पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन अपना ये है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था द्विनिषेचन, जिसे हम दोहरा निषेचन भी कह रहे हैं, तथा त्रिक संलयन किसे कहते हैं, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन किसे कहा जाता है। तो दोहरा निषेचन में बताया था कि आवर्त बीज जो पादप हैं ये इनमें एक विशेष लक्षण है जिसे हम द्विनिषेचन और त्रिक संलयन कह रहे हैं, दो बार इनमें निषेचन होगा और त्रिक संलयन के परिणाम स्वरूप भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता क्या है, बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण यहां पर होना अनिषेक बीजता है। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन क्या है। तो यह भी आपको बताया था कि अंडाशय जो होता है उसमें बिना निषेचन के यदि अंडाशय फल में परिवर्तित हो गया तो उस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहेंगे। बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है और ऐसे फल अनिषेक फल कहलाते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल बताया था जैसे पपीता है, अंगूर है, ठीक है, इनमें ऐसा हो सकता है। तो ये अति लघुतरात्मक टाइप के क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं लघुतरात्मक टाइप के जो क्वेश्चन उनकी, हाँ जो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है लघुतरात्मक प्रश्न, इनमें पहला जो है पहला क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि जैसे हमने परागण में अनुकूलन पढ़े थे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बताया कि स्वपरागण के लिए किन्हीं दो अनुकूलन के बारे में बताइए। तीन बताए थे इसमें आपको, उनमें से आप कोई भी दो बता सकते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन परपरागण के बारे में बन सकता है, परपरागण के लिए भी कोई दो अनुकूलन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा जो अपना है वो बीज से संबंधित है, बीजांड से बीज का विकास किस प्रकार से होता है, बीजांड से बीज का विकास किस प्रकार से होता है। तो इसमें बताया था कि निषेचन जब हो जाता है तो बीजांड जो है वो बीज में चेंज हो जाता है, बीजांड का जो अध्यावरण है वो बीज का आवरण बीज चोल बनाएगा और उसमें बाहरी अध्यावरण टेस्टा का निर्माण करेगा और आंतरिक अध्यावरण टेगमेन का निर्माण करेगा, ठीक है। और इसके बाद भी जो बीजांड है उसकी कुछ संरचनाएं थी उनमें कुछ परिवर्तन बताया था, बीजांड में जो संरचना है वो बीज में किसी भाग का निर्माण करेगी, कुछ संरचनाएं ऐसी होंगी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे निभाग वाला भाग है, हाइलम है, बीजांड द्वारा है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। प्रतिमुखी कोशिकाएं जिनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं, वो बीज में नहीं पाई जाएंगी, वो ऑब्सेंट रहेंगी, नष्ट हो जाती हैं पहले ही। अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाएगा और द्वितीय केंद्रक होगा वो भ्रूणपोष का निर्माण करेगा और जो बीजांड वृंत है वो बीज वृंत में चेंज हो जाएगा और बीजांड की जो कंप्लीट संरचना वो बीज में परिवर्तित हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार, हमने पढ़ा था कि जो परागनलिका है वो अंडाशय से बीजांड में प्रवेश करती है
और अंडाशय से बीजांड में जब परागनलिका का प्रवेश होता है तो वो कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार इसमें आपको बताए थे कि परागनलिका जो है वो बीजांड में तीन प्रकार से प्रवेश करती है। तो यहां पर भी एक प्रश्न बनता है, बीजांड में परागनलिका का प्रवेश कितने प्रकार से होता है? कितने प्रकार से होता है? तो तीन प्रकार से होगा, एक था अंडद्वारी प्रवेश या बीजांडद्वारी प्रवेश कर सकते हो, एक था निभागी प्रवेश और तीसरा था मध्य प्रवेश, या इसको अध्यावणी प्रवेश भी कह सकते हैं। ठीक है, बीजांड से परागनलिका जब बीजांड द्वार से जब परागनलिका प्रवेश करेगी तो इसे अंडद्वारी या बीजांडद्वारी प्रवेश करेंगे, जब बीजांड के निभाग से परागनलिका प्रवेश करेगी तो इसे निभागी प्रवेश करेंगे, और जब अध्यावण से परागनलिका बीजांड प्रवेश करेगी तो इसे मध्य प्रवेश या अध्यावणी प्रवेश कहा जाएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से बीजांड में परागनलिका का प्रवेश होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, भ्रूणपोष का महत्व है, भ्रूणपोष का क्या महत्व है? भ्रूणपोष आपको बताया था एंडोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं, एंडोस्पर्म जो त्रिगुणित होता है 3N होता है, दोहरा निस्सन के परिणाम स्वरूप यह बनता है भ्रूणपोष। और इसमें बताया था कि भ्रूणपोष का जो मुख्य कार्य है ये वृद्धिशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, और पोषक स्रोत इसमें बताया था ये पादप प्रजाति के अनुसार होते हैं, किसी प्रजाति में कार्बोहाइड्रेट संचय, किसी में वसा होगा, किसी में प्रोटीन की मात्रा पाई जाएगी। तो भोज्य स्रोत के रूप में भ्रूणपोष जो है वो पाया जाएगा बीजांड के अंदर। ओके, ये यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है वो आपके लघुतरात्मक टाइप के बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेते हैं निबंधात्मक टाइप के क्वेश्चन, तो बात करते हैं निबंधात्मक या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, जो 30 चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं, परागण से संबंधित है, परागण कितने प्रकार से होता है? तो इसमें दो प्रकार आपको बताए थे, एक तो स्वपरागण था, दूसरा परपरागण था। स्वपरागण में भी आपको दो प्रकार बताए थे, एक तो स्वक युग्मन था और एक सजात पुष्प परागण था। तो यहाँ आपको परागण के प्रकार के बारे में बताना है, और इसी में तथा परागण के लिए होने वाले अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। तो परागण के दो प्रकार आपको बताए थे, स्वपरागण और परपरागण। दोनों परागण के लिए जो भी अनुकूलन है, जो भी युक्तियां आपको बताई थी, वो इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगी। ओके, अगला क्वेश्चन, भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष क्या है एंडोस्पर्म के बारे में बताना है। आवर्तबीजी पादपों में पाए जाने वाले भ्रूणपोष का वर्णन कीजिए। तो भ्रूणपोष बताया था कि निस्सन के दौरान क्या होता है कि दूसरा नर युग्मक जो होगा वो द्वितीय केंद्र के साथ में संलयन करेगा और त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। और भ्रूणपोष का आपको कार्य बता दिया, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करेगा। और भ्रूणपोष के बारे में बताना, आवर्तबीजी पादप में बताया था कि तीन प्रकार का भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म पाया जाता है। उसमें आपको बताया था पहला जो प्रकार था कोशिकीय, दूसरा था पहला केंद्रीय था, दूसरा कोशिकीय और तीसरा हेलोबियल। तीन प्रकार का भ्रूणपोष आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन भ्रूण के परिवर्तन पर बन सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण परिवर्तन
का वर्णन कीजिए। भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, भ्रूण डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में बताना है। तो ये बताया था आपको कि एककोशिकीय के युग्मनज से भ्रूण का विकास प्रारंभ होगा। युग्मनज जो एककोशिकीय है उसमें अनेक समसूत्री विभाजन होंगे और उससे कोशिकाएं बढ़ेंगी और उससे होगा क्या, पहले तो गोलाकार, उसके बाद हृदयाकार और उसके बाद टोरपीडो आकृति का भ्रूण बनेगा, ठीक है, जिसमें द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र होंगे और एक बीजपत्री में एक बीजपत्र पाया जाएगा, ठीक है। तो भ्रूण का जो विकास अपना ये लगभग लास्ट टॉपिक था, कंप्लीट इसमें आपको बताना है, डायग्राम भी इसके अंदर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नंबर 4, आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की हम बात करते हैं। आवर्तबीजी पादपों में निषेचन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, संक्षेप में इसका वर्णन करना है और इसी में भ्रूणपोष का महत्व बताते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रकार जो है पहले वाले क्वेश्चन में भी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ निषेचन के साथ भी भ्रूणपोष से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पर निबंधात्मक टाइप के, 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, इनका आप स्टडी करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर आपको बता दिए जा चुके हैं, नोट्स में भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, वीडियो क्लास में भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ओके। और इसके बाद जैसे 3rd चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास जो उसमें हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके, धन्यवाद।